बस एक चम्मच हल्दी से आप अपने सारे सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं दोस्तों, जो कि अगर आपने इसे रात के समय लगाया तो बस एक चम्मच हल्दी आपको यहाँ पर ले लेना है। आपको यहाँ लेना है लोहे का पैन दोस्तों, जिससे कि जो आपके बालों में जो आयरन मिलेगा ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माई फ्रेंड्स, माई चैनल नेम इज मुंबईकर बिंदु और मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ में नेचुरल और हेयर केयर एंड स्किन केयर जो DIYs होते हैं, होम रेमेडीज, वही शेयर करती हूँ और बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक चम्मच के तकरीबन हल्दी ले लेना है। अब क्या करना है, गैस के फ्लेम को आपको ऑन करना है और हल्दी का एक हमें चारकोल प्रिपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है, अब हम इसका एक चारकोल प्रिपेयर करने वाले हैं। चारकोल दैट मींस कि हल्दी को आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से रोस्ट करना है और रोस्ट करने के बाद इसे किस तरह से आप अपने बालों पर, सफेद बालों पर लगाएं या फिर काले बालों पर लगाएं, ये आपके बालों को हल्दी हेल्दी बनाने का बहुत ही अच्छा काम करती है। सो चलिए इसका हम एक चारकोल बना करके रेडी कर लेते हैं। दोस्तों जो हल्दी होते हैं इसमें आप सभी लोगों को पता है एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों का गुण होता है जिससे कि हमारे हेल्थ और हेयर दोनों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसको आपको एकदम स्लो फ्लेम पे हल्दी को अच्छी तरह से इस तरह से चारकोल में टर्न करना है। आपका जो नेचुरल कलर होता है दोस्तों उसे ये प्रोवाइड करेगा, जो आपके सफेद बाल या प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर है उसे लौटाने का ये काम करेगी। तो आपको देखिए ये जो हल्दी है, आपके अगर बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ चुके हैं, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, हेयर लॉस की बहुत ज्यादा समस्या है, तो जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों आज के डेट में हल्दी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है शैम्पू में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शैम्पू लेते हैं तो आपने कभी नोट किया होगा शैम्पू में ये जो कंटेंट होता है हल्दी का, ये ऑब्वियसली उसमें एडेड होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से हल्दी को अच्छी तरह से चारकोल में टर्न कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको हल्दी को चारकोल में टर्न कर लेना है। गैस के फ्लेम को आपको बंद कर देना है। ये आपको एक तरह से कंडीशनर भी प्रोवाइड करता है दोस्तों। आपके बालों में अगर कंडीशनिंग की कोई कमी है, जैसे कि बाल रफ हो चुके हैं, टूटते हैं, ब्रेकेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हल्दी का इस तरह से इस्तेमाल जरूर करिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसे प्रिपेयर कर लिया है। एक कांच का सेफ बोल लेना है दोस्तों, और आपको ये जो हल्दी है आपने जिसे चारकोल में टर्न किया है वही आपको लेना है। कुछ इस तरह से देखिए हमने एक चम्मच के तकरीबन इसे लिया था, बिल्कुल उसी तरह से आप भी इसे ले लीजिए। और क्या करना है, यहाँ पे इसे ऐड करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि एकदम से प्योर और शुद्ध होते हैं। यहाँ पे इसे एक चम्मच के तकरीबन आपको नारियल के तेल में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा, और इसे कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। इसके अंदर आप चाहें तो विटामिन ई की कैप्सूल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इसे यूज करने के लिए आपको क्या करना है, कॉटन बॉल लेना है। कॉटन बॉल की हेल्प से आप अपने बालों पे इसे जड़ों पे जरूर लगाएं, क्योंकि जो बाल हमारे होते हैं वो जड़ों से सफेद होते हैं और ये जड़ों में जाकर के आपके मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज करेगी, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके जो कुछ ही दिनों में जो सफेद बाल हैं वो काले होना शुरू हो गए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आज के डेट में छोटे से छोटे बच्चे, जैसे मैंने नव्या नवेली की भी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर की थी, उनके भी बाल देखिए 25 एज में ही बाल सफेद हो गए हैं। तो अगर आपने इन सारी चीजों का यूज लगातार करना शुरू कर दिया तो जिससे कि आपके जो बाल हैं सफेद बाल वो काले होना, टर्न होना ब्लैक हेयर में शुरू हो जाएंगे। आपको इसे नाइट में या मॉर्निंग में आप इसे लगा सकते हैं। नाइट में अगर आप इसे लगाएंगे तो ओवरनाइट आपके बालों पे ये अच्छी तरह से डीपली पेनिट्रेट होने के बाद बहुत अच्छा सा काम करने वाली है दोस्तों। और अगर आप मॉर्निंग में इसे अप्लाई करते हैं तो मॉर्निंग में कम से कम आप इसे एक घंटे अपने बालों पे, जड़ों पे जरूर लगा करके रखें, जिससे कि आपके जो बाल हैं वो काफी तेजी से लंबे और काले होना शुरू हो जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोज एंड DIYs देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।